अस्सलाम वालेकुम, कैसे तमाम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस्लामाबाद पुलिस की भर्ती का मुकम्मल शेड्यूल जारी कर दिया गया है, फिज़िकल से लेकर आपके जो है वो ज्वाइनिंग लेटर तक। 24 जुलाई और 7 अगस्त, 4 सितंबर, उसके बाद तमाम क्राइटेरिया जितना भी है आपका इस भर्ती का, वो आपके साथ लिस्ट शेयर करने जा रहा हूँ। ऑफिशियल लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल कलर प्रेस कर लें ताकि पाकिस्तान में अपनी जॉब की अपडेट या इस्लामाबाद पुलिस के रिलेटेड अपडेट आती है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप इसकी मुकम्मल प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं प्लान शेड्यूल के मुताबिक, टॉपिक वाइज इसकी तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट है। 300+ स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस। आप इनरोल होना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर नंबर है, यहाँ से व्हाट्सएप में मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको जो है मुकम्मल रिस्पॉन्स मिलेगा और आपको डिटेल सारी सेंड कर दी जाएंगी। और बहुत कम फी अना होने के बराबर है, तमाम स्टूडेंट्स पे करके इनरोल हो सकते हैं और ये हमारी गारंटी है 100-1% आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। देख सकते हैं रिक्रूटमेंट शेड्यूल, रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2024 इस्लामाबाद पुलिस का है। यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, ये 12 जून 2024 को अनाउंस हुआ था। रिसीविंग एप्लीकेशन जो है वो 12 से 26 जून तक थी, ठीक है जी। आगे लास्ट डेट सबमिशन की जो है आपकी है वो 6 जुलाई 2024 थी। आगे जो है वो आपका सिक्योरिटी एप्लीकेशन आर्ट पोस्ट का जो है वो 7 से 17 जुलाई तक था, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो आपका डिस्प्ले और लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, इंटीमेशन ऑफ टेस्ट डेट्स आर्ट पोस्ट के लिए, उसका क्राइटेरिया आपका जो है वो 5 डेज तक चलता रहेगा, 18 से 22 जुलाई तक 2024 तक, ठीक है जी। आगे फिजिकल टेस्ट फॉर ASI कॉन्स्टेबल पोस्ट के जो है वो 5 दिन तक होते रहेंगे, 23 जुलाई से 7 जुलाई तक आपके जो है वो फिजिकल टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है और कॉन्स्टेबल है। अगर रिजल्ट जो है वो फिजिकल टेस्ट रिजल्ट आपका जो है वो 28 से 29 जुलाई को अनाउंस कर दिया जाएगा, यानी 2 आपको दिन जो है वो दिए जाएंगे। रिजल्ट डिस्प्ले ऑफ फिजिकल टेस्ट रिजल्ट आपका जो है वो 30 से 31 जुलाई 2024 को अनाउंस किया जाएगा, इसमें भी 2 डेज जो है वो मैंशन किए गए हैं। आगे आपका रिटन टेस्ट कॉन्स्टेबल का जो होगा वो 7 अगस्त 2024 को होगा, एक ही दफ़ा तमाम स्टूडेंट्स के जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। आगे जो है वो रिटन टेस्ट फॉर ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, तो एक ही दिन आपका ये भी टेस्ट होगा, 8 अगस्त 2024 को, कॉन्स्टेबल का 7 तारीख को और आपका ASI का 8 अगस्त को, ठीक है जी। यानी इसमें जो है वो डिवाइड नहीं है कि आज आपका पेपर कॉन्स्टेबल का होगा, 2 दिन बाद फिर स्टूडेंट्स का जो है जिन स्टूडेंट्स ने पेपर नहीं दिया उनका होगा, एक ही दफ़ा सिर्फ कंडक्ट किया जाएगा। आगे आपका रिटन टेस्ट और मिनिस्ट्रिकल स्टाफ का जो है वो 3 डे चलेगा, 9 तारीख से 11 अगस्त तक 2024 तक जो है वो आपके पेपर होंगे। आगे पेपर मार्किंग रिजल्ट कम्प्लीकेशन ऑल पोस्ट का जो है वो 9 दिन तक इसका सिलसिलाकार जो है वो जारी रहेगा, जिसमें 12 अगस्त से 20 अगस्त तक, ठीक है जी, आपके पेपर वगैरह जो है वो चेक किए जाएंगे। रिटन टेस्ट रिजल्ट जो है वो अनाउंसमेंट किया जाएगा 21 से 24 अगस्त के दौरान, ठीक है जी, और 4 दिन इसमें जो है वो लिए जाएंगे। और इसके बाद जो है स्किल टेस्ट मिनिस्ट्रिकल जो है वो और फॉलोअर स्टाफ वगैरह का वो लिया जाएगा, 25 से 27 अगस्त तक जो है वो इसका जो है वो स्किल टेस्ट होगा। आगे म्यूनिसिपल फ्लावर्स फॉलोअर्स और स्टाफ स्किल टेस्ट रिजल्ट वगैरह जो इसका है वो इंटरव्यू वगैरह जो है वो 28 से 30 अगस्त तक जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। इंटरव्यू म्यूनिसिपल फॉलोअर्स स्टाफ का जो है वो 4 दिन तक चलता रहेगा, 31 अगस्त से 3 सितंबर 2024 तक, ठीक है जी। आगे इंटरव्यू फॉर कॉन्स्टेबल ASI को जो है वो 4 दिन तक होते रहेंगे, 4 तारीख से 7 सितंबर 2024 तक आपके ये कंडक्ट किए जाएंगे। और इसके अलावा जो है रिजल्ट कम्प्लीकेशन आल पोस्ट का जो है वो 8 सितंबर से 12 सितंबर 2024 तक जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है जी। और फाइनल जो है लिस्ट जो है वो डिस्प्ले की जाएगी, सक्सेसफुल जितने भी कैंडिडेट्स हैं एक ही दिन में जो है वो आपकी तमाम लिस्ट लग जाएगी, 13 सितंबर को फाइनल लिस्ट लगेगी, जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई होंगे उनकी लिस्ट जो है वो शाया कर दी जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपके साथ मैंने जो है वो नोटिफिकेशन शेयर कर दिया, इसमें तमाम भर्ती का शेड्यूल, ठीक है जी, शेड्यूल को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी का आगाज़ बाकायदगी से करें और इंशाल्लाह अपनी तैयारी पर मुकम्मल फोकस करें, पेपर क्वालिफाई करें, अभी आपके पास टाइम है। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं प्लान शेड्यूल के मुताबिक, टॉपिक वाइज की तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इनरोल होना चाह रहे हैं तो इसके ओनली 1000 फ़ी है और मैंने आपको वीडियो में बता दिया, ताकि जो स्टूडेंट सीरियस हैं वही इनरोल हों, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, आपका टाइम बहुत कीमती है। हम नोट्स वाइज PDF वाइज लेक्चर वाइज तैयारी करवाते हैं एज अ पेड ग्रुप में। अगर आप अपने घर नोट्स मंगवाना चाह रहे हैं, अगर आज हमसे बात करते हैं तो इंशाल्लाह कल शाम तक आपको नोट्स जो है वो मिल जाएंगे, उसकी जो है वो ओनली 2000 फ़ी है, आपके घर एज अ TCS के थ्रू मिल जाएंगे अगर आप पाकिस्तान में किसी भी इलाके में रहते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि तमाम पॉइंट्स आपके कवर होंगे, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर यहाँ से रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।